देखिए बीजेपी में रह के मुझे लगा कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो आते नहीं हैं हमारे, तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे या मेरे जितने भी भाई बंधु थे उनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे वो मेरे पास नहीं आ सकते थे। तो इसके लिए मैं LJP ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि बीजेपी तो आप तो देखते हैं और थ्रेट में भी है, थ्रेट परसेप्शन होता रहता है बीजेपी जितने भी लीडर्स हैं। सो दैट इज़ वाई आई हैव आपके चैनल के वसादत से मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो यही मंशूर ये है रिज़ाइन करने का और ज्वाइन करने का, जो एलपीजे है, इसलिए मैंने कि मंशूर यही है मेरा कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मैं चाहता हूं कि जो हमारी यूथ यंग जनरेशन है उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। मैं आपको बोलना चाहूँगा पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि NC जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, खाली अपने घर भरे हैं। दैट इज़ वाई मैंने अपने आप को किनार कर दिया था पहले ही। मैं तो सियासत में अभी 2 साल से हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा, जितना मैंने ये तहकीक की इन पार्टीज़ की, तो मुझे लगा ये खाली धकोसले बोलते हैं, अपने वोट बैंक बनाने के लिए अपने वोट बैंक वोट जमा करते हैं, उसके बाद जो लोग होते हैं उनको दरगुजर करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न मैं खाली नेशनल पार्टीज़ के साथ चलता हूँ, क्योंकि जो मिकदार में होते हैं, इकदार में होते हैं सेंट्रल में, वही कुछ अपनी जो हमारी कश्मीरी कौम है वही कुछ कर सकते हैं, और उन्हीं का हक मांगने के लिए मैं इस लोग जो हमारी LJP है इसमें मैंने शमूलियत आज सबके सामने